रायपुर में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी की चार विधायकों के हमले पर फिर से दस्तावेज लाने की चुनौती दी है। अकबर ने कहा है कि दस्तावेज सामने रखें, फिर बात करें, हवा हवाई आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अकबर ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार के दस्तावेज पेश किए हैं। गौरतलब है कि बिजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल ने बयान जारी कर तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा न होने पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। अकबर से बात की हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। हमारे साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ हुआ। देखिए, तेंदुपत्ता बोनस को लेकर भाजपा केवल बयानबाजी कर रही है, वो श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। मैंने एक पत्र जारी किया था जिसमें जो बीमा कंपनी है उनकी, जो भारत सरकार की है, वो बीमा कंपनी ने साफ तौर पर लिख कर दिया है कि हम आगे ये योजना बंद करते हैं, इसको संचालित नहीं कर सकते। तो पहले उस पत्र का तो जवाब दें। उनके पास यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा दस्तावेज है जिसमें ये प्रमाणित होता हो कि बीमा की राशि समय पर, बीमा का जो प्रीमियम है वो राज्य सरकार ने नहीं पटाया, ऐसा कोई दस्तावेज हो तो सार्वजनिक करना चाहिए। पहले वो दस्तावेज सार्वजनिक करें। हम तो पहले ही पत्र जारी कर चुके हैं कि भाई जीवन भारतीय जीवन बीमा निगम ने लिख के दे दिया कि हम ये योजना संचालित नहीं करेंगे। अब ये मामला केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, उन्होंने इस योजना को पूरे देश में बंद कर दिया। तो क्या पूरे देश के लोगों ने प्रीमियम नहीं पटाया तो ये योजना बंद हो गई? दूसरा ये कि हमने बजट में भी प्रावधान किया था 16 करोड़ का कि हम अपने प्रीमियम की राशि, तीन टाइप का प्रीमियम होता है जो भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए जो प्रीमियम होता है उसमें 50% भारत सरकार का अंश है, 37.5% राज्य सरकार का अंश है और 12.5% संघ, लघु वनोपज संघ का है। अब बीमा कराना है इसके लिए हमारे बजट में प्रावधान है जो हमको बाद में सरेंडर करना पड़ा, जब भारतीय जीवन बीमा निगम ने लिख के दे दिया कि हम योजना ही बंद कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए बंद हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। और हमने पत्र जारी करके सब सार्वजनिक किया मीडिया के सामने। आरोप लगाने वाले लोगों को पहले ये बताना चाहिए कि उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज है क्या कि जो हमने समय पर बीमा नहीं पटाया इस कारण से बंद हुआ है। कोरा बयानबाजी तो प्रतिपक्ष का काम है, वो करते रहेंगे। तो कोई बयानबाजी नहीं बल्कि दस्तावेज सामने लेकर के आए, ये चुनौती दी है मोहम्मद अकबर ने। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी चुनौती दी थी बिजमोहन अग्रवाल को, जिन्होंने इस मामले को उठाया था। अब जबकि भाजपा के चार कद्दावर नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की है तो एक बार फिर से वही चुनौती मोहम्मद अकबर ने दोहराई है और तथ्यों के साथ सरकार की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया है और ये भी कहा है कि कोरी बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।